नई महिला नीति लागू करेगी महाराष्ट्र सरकार, आज हो सकता है बड़ा ऐलान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना पहला बजट गुरुवार को पेश करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाले इस बजट के लोकलुभावन होने की संभावना जताई जा रही है। यानी इस बजट के दौरान सरकार कई लोग हितेशी घोषणाएं कर सकती है। इस बजट में महिलाओं पर खास फोकस भी रह सकता है, क्योंकि एक दिन पहले ही सरकार ने राज्य में नई महिला नीति लागू करने की बात कही थी, लिहाजा इसके लिए फंड का ऐलान भी किया जा सकता है। विधायकों के सुझाव पर गौर करेगी सरकार। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बजट सत्र के दौरान कहा था कि राज्य की नई महिला नीति प्रदेश विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र के दौरान पेश की जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने इस मुद्दे पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विधानसभा में यह घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सदन में महिला नीति पर बहस शुरू की गई। इसके जवाब में लोढ़ा ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा और सशक्तिकरण के संबंध में विधायकों की ओर से दिए गए सभी सुझाव पर गौर करेगी। गौरतलब है कि देश में सबसे ज्यादा शहरीकरण वाले राज्य महाराष्ट्र में महिलाएं बड़ी संख्या में कामकाज के लिए बाहर निकलती है। महिलाओं के लिए विशेष जनता दरबार। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के संबंधित निर्णयों पर अपनी प्रदर्शन रिपोर्ट भी नियमित रूप से पेश करेगी। लोढ़ा ने कहा कि नई नीति व्यवहारिक होगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए पर्यटन नीति की भी घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा हर महीने जिला स्तर पर महिलाओं के लिए जनता दरबार आयोजित किया जाएगा, जहां 50 शिकायतों को लिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की विदर्भ निर्माण यात्रा का समापन। नागपुर में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा पूर्व व पश्चिम विदर्भ से मिशन 2023 स्वतंत्र विदर्भ राज्य बनाने के लिए आयोजित विदर्भ राज्य निर्माण यात्रा आज नागपुर के संविधान चौक पर संपन्न हुई। इस दौरान समिति के प्रमुख नेता एडवोकेट वामनराव चटप ने कहा यात्रा का नेतृत्व किया। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से गढ़चिरौली जिले के कालेश्वर के सिरोचा तहसील के भगवान शिव शंकर को जंजीर से बांधकर 21 फरवरी से पूर्व विदर्भ की विदर्भ निर्माण यात्रा की गई, जबकि दूसरी यात्रा पश्चिम विदर्भ में मातृतीर्थ सिंदखेड़ राजा से निकाली गई। संविधान चौक में एक जनसभा के साथ इसका समापन हुआ। इस समय एडचटअप सभा को संबोधित कर रहे थे प्रकाश पोहरे, वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर श्रीनिवास खंडेवाले, समिति के पूर्व विदर्भ अध्यक्ष अरुण केदार, युवा आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश मसूरकर, कोर कमेटी सदस्य प्रभाकर कोंडबत्तुरवार, पूर्व मंत्री डॉक्टर रमेश गजबे, दिल्ली में के स्वामी संतोषानंद, बीआरएसपी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विनोद रंगारी, नागपुर के विदर्भ आंदोलन समिति के अहमद कदर, विदर्भ राज्य आघाड़ी के कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट नीरज खंडेवाले, राष्ट्रीय जनसूर्य पार्टी के राजेश काकड़े, जांबुवंतराव घोट विचार मंच के अध्यक्ष सुनील चोखरे, अयुब शेख, तात्यासाहेब मते, नागपुर मंडल महिला अध्यक्ष रेखा निमजे, नागपुर जिला महिला आघाड़ी अध्यक्ष सुधा पावड़े, ज्योति खांडेकर, शुभा येवले, मनीष फुंडे, नरेश निमजे, सुदाम राठौर आदि मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नागपुर पंचायत समिति द्वारा दिए गए आरटीई प्रवेश रद्द। मुफ्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2021-22 में नागपुर पंचायत समिति द्वारा दिए गए आरटीई प्रवेश की शिकायत स्थानीय गांव वालों से प्राप्त हुई, जिसमें बोरगांव सरपंच रविंद्र ईश्वर डोले द्वारा बोगस रहवासी दाखिले किए जाने की पुष्टि होने के बाद आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन शहीद शरीफ द्वारा जांच के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्ताव दिया गया, जिसमें किशोर गजजालवार गट विकास अधिकारी को जांच के आदेश दिए गए, जिसमें गट शिक्षण अधिकारी राजेश लोखंडे को दोषी पाया गया और 5 प्रवेश नियम बहाल दिए गए, लेकिन सदस्य सचिव शरद भंडारकर के विरुद्ध कार्रवाई की नहीं गई। आखिर क्यों की वेरिफिकेशन कमेटी की जिम्मेदारी सदस्य सचिव की होती है। अहवाल के अनुसार गट शिक्षण अधिकारी द्वारा मार्गदर्शन प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के मांगने से पर उनके द्वारा दिए गए प्रवेशों को रद्द कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। न्याय मिलने के
में एक वर्ष बीत गया, मामला भारतीय विद्या भवन अस्टी के पालक दोषी पाए गए। परवीन कुशाल चौधरी व प्रमोद बसंतराव भोयर अन्य तीन ने प्रवेश नहीं लिया दोषी पाए जाने के डर से। नियम कहता है कि पालक द्वारा झूठी जानकारी देने पर आपराधिक मामला दर्ज हो और मेरा बालक का प्रवेश रद्द किया जाए। ऐसे खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक देखते रहे MNS News Network। नमस्कार।